सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना बनाई है ताकि गरीब परिवारों को पक्के आवास मिले। जनपद जालौन ब्लॉक माधवगढ़ ग्राम पंचायत कासमपुर में 13 दलित परिवारों को आवास न मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके मड़ैया नहीं है तो क्या परेशानी है? मड़ैया एक है कि सब पन्नी डाले हैं कि बहु कूटी डरी चुंगन लगा पानी बासन लगा थे गो बासन है नंधारा था नंधारा थे कि तब बरसात को काड़ पाओ। अपने कोई प्रयास किया आवास के लिए? खूब कहा थे कि प्रधान से सब पाओ से को नहीं दे थे गो जा कहा था मिल जाएगी मिल जाएगी। आप क्या चाहती हैं? अब जा चांस हैं कि मजदूरी मिले मड़ैया मिले रहवे को। घर नहीं है हमारे पास, अगर कोई आंधी तूफान आता है तो पन्नी वगैरह जो डाल लेते हैं वो उड़ जाती है, पानी में रात भर घूमते रहते हैं। बच्चों को कुछ ना कुछ देखना पड़ता है कि तालाब का किनारा है कि कहीं कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। पानी बरसता है तो मेरी झोपड़ी में भर जाता है तो कटोरी या थाली उससे हम बाहर निकालते रहते हैं। थाली रख देते हैं, कहीं बर्तन रख दे, कहीं गिलास रख देते हैं कि उनमें पानी ऊपर से गिरे, बच्चों के ऊपर ना जाए, घर में ना भरे। 10 दिन हुए हैं पन्नी ले आए थे 100 रुपए की मजदूरी करके, वो भी सर फट गई है। अब क्या करें, अब मजदूरी महीने में एक बार लगती है, कहीं दो बार लगती है। ज़मीन है ना जायदाद है कुछ भी नहीं है, मकान भी तो है नहीं ढंग का हमारे पास। और सरकार कहती है हम अच्छे दिन लाएंगे, फलाना लाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, कुछ भी नहीं मिला है। हमारे 10 लोग परिवार में रहते हैं, किसी के पास ये नहीं कि 2000 रुपए की प्रॉपर्टी हो। मैं और मेरा समुदाय चाहता है कि इन 13 दलित परिवारों को पक्के आवास बने। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि ब्लॉक माधवगढ़ के वीडियो का मोबाइल नंबर 94546 49 51 पर दबाव बनाएं। मैं सीमा देवी, जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहड के लिए।